मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर उमारा और आज हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द थ्री अप्रोचेस ऑफ ग्राउंड थ्योरी। और ग्राउंड थ्योरी में जिस तरह से हमने लास्ट टाइम ग्राउंड थ्योरी की बेस बनाई थी और इसमें हमने सारा इंट्रोडक्शन और उसके में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, इसी तरह से तीन जो हैं हम लोगों के ऑथर्स हैं, एक हैं स्ट्रॉस एंड कॉबिन, इनकी अप्रोच है ग्राउंड थ्योरी मेथड को। और वो इनिशियली जिस तरह से हमने बात की थी कि गुरु कहलाते हैं, और उसके बाद जो चार्म्स की अप्रोच है और एक लाग की, ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस है। और अगर हम लोग इनके मेथड्स यूज़ करते हैं तो उनको किस तरह से हमने ऑपरेशनलाइज करना है और उसके अंदर को किस किस किस्म की कोडिंग कैटेगरीज और इस तरह की बातें बताई गई हैं और क्या टर्म्स यूज़ की गई हैं अगर हम लोग जिसका भी मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोर देन वन मेथड भी एक स्टडी के अंदर यूज़ किया जा सकता है और डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके एक अलहदा से डिफ़ाइन किया जा सकता है। और दूसरा ग्राउंडेड थ्योरी जो कि स्ट्रॉस एंड कॉबिन की है, ये ज़्यादातर जो है ना पॉजिटिविस्ट माइंडसेट को एड्रेस करती है और बहुत ही सिस्टमेटिक वे से ग्राउंडेड थ्योरी मेथड को अडॉप्ट करने का कहती है। तो ये क्या डिफरेंसेस हैं और इनके इन डिफरेंसेस की वजह से एक स्टडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि एक नॉलेज की एक क्रिएशन है थ्रू एक ग्राउंड थ्योरी मेथड, तो ग्राउंडेड थ्योरी में थ्योरी किस तरह से डिवेलप करनी है और एट द एंड इतनी आपकी परफेक्ट थ्योरी हो कि वो टेस्ट भी की जा सके। तो स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन इस तरह की थ्योरी को डेवलप करने का मेथड को ग्राउंडेड थ्योरी मेथड कहते हैं। तो हम तीनों की जो हैं वो अप्रोचेस को ज़रा अलग अलग से अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अंदर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से हमने लास्ट में इसकी पूरी रैशनल बयान किया था कि ग्राउंड थ्योरी हम लोगों ने थ्योरी को डिवेलप करना है और एक क्वालिटेटिव मेथड है जिसके अंदर थ्योरी डिवेलप की जाती है। तो अप्रोच जो है, जिस तरह से फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर द स्ट्रॉस एंड कॉबिन की जो 1995 की अप्रोच है, वो पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहलाती है। और वो अप्रोच जो है वो सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। और जिस तरह से हमने बात की थी, सिस्टमेटिक वे से किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो उसकी जो आउटकम्स हैं वो भी बड़े लिमिटेड और बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में आते हैं। और इसी तरह से जो चार्म्स की अप्रोच है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट, उसको एड्रेस करती है ज़्यादातर, यानी कि अगर हम ग्राउंडेड थ्योरी मेथड को अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से करें तो हम चार्म्स का मेथड यूज़ करेंगे। इसी तरह से कंस्ट्रक्टिविस्ट और इंटरप्रेटिव जो अप्रोच है ये वाली चार्म्स की, हम इनके रिसर्च डिज़ाइन, इनकी जो इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी हैं उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। इसी तरह से एक क्लार्क की अप्रोच है, इन्होंने एक नया मेथड, ये सिचुएशन बेस्ड, कि एक सिचुएशन बेस्ड सिचुएशन को सामने रखते हुए एक ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच को यूज़ करते हुए हम उस सिचुएशन के थ्रू एक थ्योरी डेवलप करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये काम होता है। जैसे कि वॉर की सिचुएशन हो गई, इसी तरह से बहुत सारी और सिचुएशन, जैसे अर्थक्वेक की कोई एक खास सिचुएशन जिसमें लोगों का क्या बिहेवियर था और उसमें क्या चीज़ें आपने उसमें, तो सिचुएशनल एनालिसिस के लिए उन्होंने एक नई अप्रोच ग्राउंड थ्योरी मेथड को यूज़ किया और ये 2005 में इन्होंने अपनी इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस की भावना पोस्ट मॉडर्न है और इनकी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न और कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इंटरप्रेटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट के लिए चांस, और हो सकता है कि कई किसी एक स्टडी में ये दोनों तरह की अप्रोचेज यूज़ हो रही हों, किसी एक स्टडी में ये दोनों तरह की अप्रोचेज यूज़ हो रही हों, तो डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है और वो कितना उसके अंदर आपने चीज़ों के अंदर रिगर पैदा करना है। इसी तरह से कोडिंग प्रोसीजर्स जो हैं इसके अंदर, जिस तरह से अगर हम लोग स्ट्रॉस एंड कॉबिन का डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो इसके अंदर ओपन कोडिंग, एक्सियल जो मीडियल मीडियम में आती है, और सेलेक्टिव कोडिंग, ये हमारे तीन प्रोसेस के थ्रू हम अपना एक थ्योरेटिकल लास्ट थ्योरेटिकल डायमेंशन आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम लोग बताते हैं कि ये जो है ना वो है हमारी थ्योरी है और थ्योरी का पार्ट है, और उसको वो हमारा लास्ट पैटर्न होता है जिसके थ्रू हम लोग लेके चलते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर हम लोग इनिशियल फोकस्ड एंड थ्योरेटिकल कोडिंग अब फोकस्ड मतलब इनिशियल कोड्स को हम लोग कहेंगे, इनिशियल कोड्स, फिर हम उसके बाद जो अगला स्टेप लेंगे वो फोकस्ड की तरफ होगा और उसके बाद थ्योरेटिकल कोडिंग, तो हमारी जो लास्ट थ्योरेटिकल डायमेंशन होगी, थ्योरेटिकल जो हम लोगों ने एक आउटकम सबको मिलाते जैसे हम लोग लेके आते हैं दूसरे डिज़ाइंस के अंदर भी, जैसे हमने केस स्टडी रिसर्च के अंदर भी पढ़ा था, तो इसी तरह से हम लोग इसको एक थ्योरेटिकल कोडिंग के थ्रू जो है वो
करेंगे। अच्छा, थ्योरेटिकल कोडिंग जो है वो इसमें जो यूज़ हुई है ये क्यों, चूँकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के थ्रू किया जा रहा है तो और ग्राउंडेड थ्योरी की जा रही है, तो थ्योरेटिकल कोडिंग में जैसे हमने थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की बात की थी कि जैसे जैसे हमें डाटा इकट्ठा करते हैं, हम एक डाटा के बाद हम दूसरा डाटा प्लान करने की कोशिश करते हैं, जब करते हैं तो उसके अंदर हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं पहले वाले डाटा का, जो हमने एनालिसिस पहले वाला डाटा आपने इकट्ठा किया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो भी कोड्स आइडेंटिफाई करने हैं, और हो सकता है कि हमें हर इंटरव्यू के अंदर हर डाटा कलेक्शन मेथड या जो भी आपका आपने अप्रोच यूज़ किया उसके अंदर आपको और तरह का कोड मिल रहा हो, उसको हम लोग थ्योरेटिकल कोडिंग कहते हैं लास्ट। और उसके उसकी लीड हम देखेंगे कि हमें इनिशियली और फोकस होके कि हम लोगों को ये कहाँ कहाँ से मिली और किन किन वेज के थ्रू हमने, क्योंकि डाटा से हमने एक थ्योरी को बिल्ड करना है तो हम लोग इस तरह से यूज़ करेंगे। अच्छा, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, जबकि ये वाली जो है वो आपकी स्वासन कॉबिन की सिस्टमेटिक होगी और इसमें आपका ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे से एक चीज़ को लेके चलते हैं। और यहाँ पर आपका अच्छा यहाँ पर सिचुएशनल एनालिसिस के अंदर जिस तरह से मैप्स और मेमोज यूज़ होंगे और सिचुएशनल मैट्रिसेस यूज़ होंगे, जिसमें हम डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं एक चीज़ को एड्रेस करने के लिए, और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आप वो कर सकते हैं। इसके बाद थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी के बारे में, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आपने जो डाटा है उसको बड़े सेंसिटिवली डील करना है, आपने ऐसा नहीं करना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप इग्नोर कर दें और बेस्ड ऑन द प्री कंसेप्शंस ऑफ द रिसर्चर, तो ऐसा नहीं करना। तो एम्फेसिस इज़ ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग ओपन टू डाटा, आप डाटा से ओपन रहेंगे और डाटा को ही प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट में एम्फेसिस रिफ्लेक्सिविटी, अब यहाँ पर क्या चीज़ है रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये है कि जो रिसर्चर की अंडरस्टैंडिंग हुई है उसने रिफ्लेक्ट बैक किया है और उसके अंडरस्टैंडिंग के बाद उसने चीज़ को इंटरप्रेट किया है, वो अप्रोच यहाँ पर यूज़ होगी। एंड रिसर्चर्स रोल, उसका रोल रिसर्चर का जो रोल है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सिचुएशनल एनालिसिस में फोकस ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस, अब यहाँ पर सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका और जो सिचुएशंस हैं उसके ऊपर हमारा फोकस होगा ज़्यादा जो थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी की तरफ, क्योंकि हम लोग सिचुएशनल एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर थ्योरी डेवलपमेंट की बात आती है, तो सीक्स टू डेवलप सब्सटेंटिव एंड थ्योरी ग्राउंडेड इन डाटा, और ये वाली जो है सीक्स टू डेवलप ए थ्योरी दैट इज़ को कंस्ट्रक्टेड विद पार्टिसिपेंट्स। अब पार्टिसिपेंट्स का रोल, रिसर्चर का रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली जो अप्रोच है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट रोल में। अच्छा, इसके बाद है आपका जो सिचुएशनल एनालिसिस में सीक्स टू मैप आउट सोशल वर्ल्ड एंड एरिनाज, अब जो सोशल अब मैप हम बना सकते हैं, जैसे स्कूपिंग रिव्यू की बात की थी तो हम लोग स्कूपिंग के थ्रू मैप्स के थ्रू हम अपना जो सोशल वर्ल्ड है उसको प्रेजेंट करेंगे सिचुएशन, उस सिचुएशन को करने के लिए डॉक्यूमेंट करने के लिए उसके थ्रू हमने थ्योरी डेवलप करनी है। इसके बाद रोल ऑफ लिटरेचर क्या होगा, इसके अंदर लिटरेचर रिव्यूड आफ्टर डाटा कलेक्शन टू अवॉइड बायस, अब हम जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसे रेलिवेंट हम लोग लिटरेचर रिव्यू, जिसको हम थ्योरेटिकल लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, उस किस्म के हम लोग यहाँ पर काम करें। और ये सारी हर तरह की अप्रोच में थ्योरेटिकल लिटरेचर रिव्यू ही यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग हर डाटा के बाद उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो उसी एनालिसिस के थ्रू हमें जो लिटरेचर से लीड मिल रही है हम उसको भी एड्रेस कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं लिटरेचर रिव्यू को। तो लिटरेचर रिव्यू रिव्यूड आफ्टर डाटा कलेक्शन टू अवॉइड बायस, और लिटरेचर कैन बी रिव्यूड एट एनी स्टेज, और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिविस्ट की जो अप्रोच है इसके अंदर बेशक आप डाटा कलेक्शन के बाद आप ओवरऑल जब आपके पास एनालिसिस के बाद आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके बाद तो आप उसको एंड में जाके लिटरेचर रिव्यू को कर लें, लेकिन ये भी है कि डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या और आप उसको किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं, उस पूरे जब प्रोसेस को लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से बताएंगे कि लिटरेचर कैन बी रिव्यूड एट एनी स्टेज, और आप यहाँ पर किसी भी वक्त पर आपका जो है ना वो लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। और लिटरेचर इंटीग्रेटेड थ्रू आउट, अब आपका ये वाला जो सिचुएशन एनालिसिस वाली अप्रोच है इसके अंदर आपका जो लिटरेचर रिव्यू है उसको आप इंटीग्रेट करते हैं, मिलाते हैं और मुसलसल मिलाते रहते हैं उसको। और अब जो रिसर्चर्स रोल है इसके अंदर मोर डिटैच एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें हम बायसनेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं स्ट्रॉस एंड कॉबिन के मेथड में, और हम लोग डेटा से ही सब कुछ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो रिसर्चर की अपनी इनपुट है वो कम से कम हो, उसकी इंटरप्रिटेशन कम से कम हो। और इसके बाद जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है चाम्स की है ये इंटरेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव है, और इसी तरह से सिचुएशनल एनालिसिस के लिए भी रिफ्लेक्सिव एंड पोजिशनल है, यानी पोजिशन जाहिर अपनी वो क्लियर कर देता है जब रिसर्चर एक चीज़ की इंटरप्रिटेशन कर रहा है या उसकी उसको डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी इवेंट को। और डेटा एनालिसिस टूल्स जो हैं
वो यूज़ होते हैं जिस तरह से पैराडाइम मॉडल, कोडिंग पैराडाइम, और ये इस किस्म के जो है ना टूल्स हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में कोडिंग, मेमो राइटिंग एंड थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, इस तरह की चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे। इसी के अलावा सिचुएशनल एनालिसिस में सिचुएशनल मैप्स यूज़ किए जा सकते हैं, यानी कि हम लोग डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं उस सिचुएशन की, फिर सोशल वर्ल्ड एरिनाज मैप, और इसी तरह से हम लोग जो हमारी सोशल वर्ल्ड से रेलिवेंट चीज़ें होंगी उसको हम यहाँ पर सिचुएशन एनालिसिस करते हुए वो उसको प्रेजेंट करेंगे। अब फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ कहाँ पर जाता है, यहाँ पर शॉसन कॉबिंग की जो अप्रोच है ये ब्रिजिड है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, जबकि चाम्स की अप्रोच जो है वो फ्लेक्सिबल एंड अडोप्टिव है, और अडोप्टिव टू यानी कि हम पार्टिसिपेंट का भी रोल देखते हैं, हम इसमें रिसर्चर का भी रोल देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। अब इसके अलावा सिचुएशन एनालिसिस में हाईली फ्लेक्सिबल एंड एम्ब्रेसिस कॉम्प्लेक्सिटी, ये हाईली फ्लेक्सिबल है क्योंकि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एम्ब्रेसिस जितने भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी उसको हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन प्राइमरीली यूज इन स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट्स और वाइडली यूज इन डाइवर्स क्वालिटेटिव रिसर्च। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट्स की बात हुई है, लेकिन ये फिर भी आपकी स्ट्रक्चर्ड वे से आती है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो है वो अप्रोच जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड से हो रही है, बल्कि हम लोग जब ग्राउंड थ्योरी मेथड के आप कुछ आर्टिकल्स देखेंगे तो उसके अंदर एक कुछ पोर्शन जो है वो इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके थ्रू वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और कुछ जो पोर्शन है वो आपको क्वांटिटेटिवली वो ऑपरेट करते हुए नज़र आएंगे। तो वो ज़्यादातर जो जो यूज़ करते हैं अप्रोच वो स्ट्रॉस एंड कॉबिन की अप्रोच यूज़ करते हैं। अच्छा, वाइडली यूज इन डाइवर्स क्वालिटेटिव रिसर्च फील्ड्स। अब क्वालिटेटिव जब आपने चीज़ को प्रेजेंट करना है तो आपने चाम्स की अप्रोच यूज़ करनी है या आपने क्लार्क की करनी है। अप्लाइड इन स्टडीज फोकसिंग ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड पावर डायनामिक्स। अच्छा, इसके बाद हमारी जो डिफरेंसेस हैं इसके थोड़ा थोड़ा, ये जो तीनों हमने डिफरेंसेस देखे हैं इनमें डाटा कलेक्शन में कैसे डिफरेंस है, फिर हमारा डाटा एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, और थ्योरी डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इस स्लाइड की तरफ आएंगे। अब इसमें जो सबसे पहले डाटा कलेक्शन की बात है तो एम्फेसिस ऑन सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर अप्रोच विद क्लियर सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। जो हमारी स्ट्रॉस एंड कॉबिन की अप्रोच है उसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड वे से डाटा कलेक्शन करना है, और इसके बाद थ्योरेटिकल सैम्पलिंग इज़ यूज टू इंश्योर दैट द डाटा कलेक्शन इज़ गाइडेड बाय इमर्जिंग कॉन्सेप्ट। जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट बन रहे हैं हर डाटा को एनालिसिस करने के बाद, हर पार्टिसिपेंट का इंटरव्यू के एनालिसिस करने के बाद जो हमें इमर्जिंग कॉन्सेप्ट बन रहे हैं उसकी बेस के ऊपर हम लोग नेक्स्ट अपना इंटरव्यू प्लान करते हैं, चीज़ें करते हैं। इसके बाद जो चाम्स की अप्रोच में डाटा कलेक्शन है एडवोकेट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड आइटरेटिव अप्रोच। और बाहर पीछे भी जाएँ उसमें, यहाँ पर आइटरेटिव प्रोसेस हो सकता है ना यूज़ हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग एनालिसिस के बाद, अब यहाँ पर आइटरेटिव हम बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, प्रोसेस वेयर द रिसर्चर अडॉप्ट्स द डाटा एज इट इज कलेक्टेड। और थ्योरेटिकल सैम्पलिंग भी यूज होती है इज टू रिफाइन एंड डेवलप इमर्जिंग थ्योरीज। इसके बाद फिर जो क्लार्क की अप्रोच है डाटा कलेक्शन के लिए, फोकसेस ऑन सिचुएशनल एनालिसिस, सिचुएशन क्या है, यूजिंग फ्लेक्सिबल एंड सिचुएशनल सैम्पलिंग मेथड्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड पावर डायनामिक्स। अच्छा, ये सारी जो तीनों चीज़ें ये डाटा कलेक्शन में, इन दोनों तीनों का क्या डिफरेंस है, कितना इतना खास नहीं है, ये वाला सिस्टमेटिक के ऊपर बेस कर रहा है, ये ज़्यादातर आइटरेटिव अप्रोच को साथ में लेके चलेगा, और इसमें सिचुएशन के ऊपर बेस करता है। इसके बाद जो एनालिसिस करना है आपने स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन की, कैसे एनालिसिस की स्टेज पर डिफरेंस है, यूटिलाइज स्ट्रक्चर्ड एंड कोडिंग प्रोसेस जिसके अंदर हम लोगों ने जो यूज़ करनी है उनके प्रोसीजर्स, ओपन कोडिंग जो हम अपने एनवीवो से या किसी सॉफ्टवेयर से निकालेंगे, इसके बाद मीडियल कोडिंग में जो है आपकी एक्सियल कोडिंग है, और इसके बाद फिर आपके जो फाइनल डायमेंशन है वो आपके सिलेक्टिव कोडिंग के थ्रू एड्रेस होगी। एंड टू डेवलप ए सब्सटेंटिव थ्योरी और ग्राउंडेड इन द डाटा, एम्फेसिस ऑन ब्रेकिंग डाउन डाटा इनटू डिस्क्रीट पार्ट्स एंड सिस्टमेटिकली लिंकिंग कैटेगरीज। ठीक है, जो हमने सिस्टमेटिकली उसको कैटेगरीज को डिफाइन करना है वो इसके थ्रू होगा। इसके अलावा जो चाम्स की अप्रोच है इम्प्लॉयज एन आइटरेटिव कोडिंग एंड प्रोसेस इनिशियल फोकस्ड एंड थ्योरेटिकल कोडिंग, और दैट एम्फेसाइजेज रिफ्लेक्सिविटी एंड को कंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी विद पार्टिसिपेंट्स, और को कंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी विद द पार्टिसिपेंट द प्रोसेस इज मोर अडॉप्टिव एंड लेस रिजिड। अब ये जो रिजिड नहीं है क्योंकि सिस्टमेटिक नहीं है, और इसमें हम लोगों ने थ्योरेटिकल सैम्पलिंग और कोडिंग यूज़ करनी होती है, तो इसमें रिसर्चर की जो रिफ्लेक्सिविटी है वो भी यूज़ हो रही है,
क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के साथ ही चल रहा है चॉम्स का। इसी तरह से क्लार्क का है यूजेस सिचुएशनल मैप्स, सोशल वर्ल्ड एरिनाज मैप्स एंड पोजिशनल मैप्स टू एनालाइज डाटा। दिस अप्रोच इज हाईली फ्लेक्सीबल एंड फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सोशल इंटरेक्शंस एंड पावर रिलेशंस। अब यूजेस सिचुएशनल मैप्स इसमें होते हैं सोशल वर्ल्ड एरिनाज मैप एंड पोजिशनल मैप्स टू एनालाइज डाटा। ठीक है, अब इसमें जो भी आपने करना है वो इसके अकॉर्डिंग एनालिसिस हम लोग कर रहे होते हैं कि जो कि सिचुएशन को आपने उसके थ्रू आप एक थ्योरी डेवलप करें, तो उसमें हम लोग क्लार्क की जो है मेथड को उसको में यूज़ करेंगे। इसके बाद जो थ्योरी डेवलप होगी एट दी एंड वो है एम टू डेवलप ए सब्सटेंटिव थ्योरी, जबकि ये वाली जो चार्म्स की अप्रोच है सीक्स टू कंस्ट्रक्टिव थ्योरी दैट इज़ को क्रिएटेड विद द पार्टिसिपेंट एम्फसाइजिंग द सब्जेक्टिव एंड इंटरप्रेटिव नेचर ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। और इसके बाद जो क्लार्क की अप्रोच है एम्स टू मैप सोशल प्रोसेसेस पावर डायनेमिक्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज रेदर देन डेवलपिंग ए ट्रेडिशनल थ्योरी, द फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब इन सब का मकसद ही ये है अपने थ्योरी डेवलप करनी है। अब थ्योरी डेवलप करने का मकसद जहाँ पर ऐसे है कि स्ट्रॉस्क एंड कॉर्बिंग की जो थ्योरी डेवलप अप्रोच को यूज़ करते हुए जब थ्योरी डेवलप की जाएगी तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि वो बहुत ही जनरलाइज किस्म की होनी चाहिए, तो जनरलाइजेबल होनी चाहिए ऐसी चीज़ के हम लोग उसमें से डाटा निकाल के तो हम लोग उसका जब एनालिसिस करें मतलब उसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके चलें तो वो हर जगह पर वो जनरलाइजेबल हो और एप्लीकेबल हो उसकी अथेंटिसिटी। तो इस तरह की जो ग्राउंड थ्योरी के थ्रू एक थ्योरी प्रोड्यूस होगी तो उसको हम वो हम स्ट्रॉस एंड कॉबिंग के डिज़ाइन के अंदर एड्रेस करेंगे, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हैं वो चार्म्स के साथ हैं और क्लार्क। अच्छा, इसके बाद ये एक मैंने टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर ना ये सारा कुछ कुछ सुमराइज हो गया है और कुछ चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें जो कि अभी पहले नहीं हुई थी उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और इस टेबल के अंदर मैंने इस कंपेरिजन के साथ ये बना दिया है। अब इसमें से जैसे डाटा कलेक्शन सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर है, जबकि चार्म्स का जो फ्लेक्सीबल एंड आइटरेटिव है और क्लार्क का फ्लेक्सीबल एंड सिचुएशनल है। इसी तरह से इनिशियल अप्रोच प्री डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन एंड इनिशियल लिटरेचर रिव्यू आपका होना चाहिए। जब हम स्ट्रॉस एंड कॉबिंग का डिज़ाइन यूज़ करेंगे तो आपका इनिशियल लिटरेचर रिव्यू एक लाजमी होता है। इसी तरह से जब हम चार्म्स की अप्रोच यूज़ करेंगे तो हमें ओपन एंडेड इमरजेंट क्वेश्चंस, यानी कि हमने क्वेश्चंस को इमरजेंट क्वेश्चंस हमने जब अप्रोच यूज़ करते हैं उसमें हम कहते हैं कि जब हम इंटरव्यू ले रहे होंगे तो उसी वक्त आपको समझ आए कि हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो आप इमरजेंट क्वेश्चंस उसी वक्त डिजाइन पूछ सकते हैं। तो इसमें मिनिमल इनिशियल लिटरेचर रिव्यू, हम इनिशियल लिटरेचर रिव्यू कम से कम करते हैं, लेकिन हमें एक लीड के लिए या हमें उस अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। तो इनिशियल लिटरेचर रिव्यू तीनों में ही होता है। अच्छा, यहाँ पर फ्लेक्सिबल एंड सिचुएशनल जब है जो क्लार्क की अप्रोच है ओपन एंडेड ब्रॉड क्वेश्चंस विद सिचुएशनल अवेयरनेस, क्योंकि सिचुएशन से रेलिवेंट जो भी आपकी बात है आप उसके रेलिवेंट आप अपना वो भी करते हैं। और उसमें जो हम इनिशियली उसमें भी हम लोग सिचुएशन को अवेयरनेस कर सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए तो हम लोग उसका भी एक एनालिसिस करते हैं पहले। फिर डाटा सोर्सेज जो यूज़ करते हैं इंटरव्यूज़ ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा इंटरव्यू ऑब्जर्व भी इसमें हम मल्टीपल डाटा जो है ना वो सोर्सेज यूज़ करते हैं तीनों अप्रोचेज के अंदर, क्योंकि हमने मैक्सिमम एब्स्ट्रैक्शन को जिसमें हमने बात की थी पहले वाले में भी कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमने उसको इंक्रीज़ करना है। इसी तरह से जो सैम्पलिंग है सैम्पलिंग थ्योरेटिकल सैम्पलिंग बेस्ड ऑन इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स और थ्योरेटिकल सैम्पलिंग बेस्ड ऑन इमर्जिंग थ्योरीज और थ्योरेटिकल सैम्पलिंग सिचुएशनल मैपिंग सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये भी इसमें थ्योरेटिकल सैम्पलिंग ही तीनों में यूज़ हो रही है सैम्पलिंग जो है। अब रोल ऑफ रिसर्च लिटरेचर जो है रिव्यूड आफ्टर डाटा कलेक्शन टू अवॉइड प्री कंसीव्ड आइडियाज़ और कैन बी रिव्यूड एट एनी स्टेज टू इन्फॉर्म एनालिसिस और इसी तरह से इंटीग्रेटेड थ्रू आउट टू इन्फॉर्म द कॉन्टेक्चुलाइज एंड कॉन्टेक्चुलाइज एनालिसिस। ठीक है, अब डाटा एनालिसिस की जो स्टेज है इनिशियल कोडिंग इंटरमीडिएट कोडिंग एडवांस कोडिंग कांस्टेंट कंपैरिजन मेमो राइटिंग थ्योरी डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ डायग्राम्स एंड वैलिडेशन। अच्छा, इनका क्या रहता है डाटा एनालिसिस के दौरान थोड़ी सी इन दोनों में डिफरेंसेस हैं और मैंने इसको वो हाईलाइट किया हुआ है। जैसे ओपन कोडिंग यहाँ पर जब हम स्ट्रॉस एंड कॉबिन का डिज़ाइन यूज़ करेंगे तो हमारे पास ओपन कोडिंग का नाम है, इसी तरह से चार्म्स का इनिशियल कोडिंग और इसके बाद फिर क्लार्क का सिचुएशनल मैप्स आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स इन द डाटा। इसी तरह से एक्सियल कोडिंग आपके स्ट्रॉस एंड कॉबिन के डिज़ाइन में यूज़ हो रही है लिंकिंग कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, हमने लिंक इस्टेब्लिश करना है कि इन दोनों लिंक कर रहे हैं, इस वजह से हम लोगों ने इसको एक कोड दे दिया है एक नाम दे दिया है एक कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है।
और इसमें फोकस्ड कोडिंग सिंथेसाइजेज एंड एक्सप्लेनिंग लार्जर सेगमेंट्स। तो और इसी तरह से जो सिचुएशन है सोशल वर्ल्ड एरिनाज मैप्स, हम मैप्स की सूरत में डायग्राम्स की सूरत में सिचुएशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरेक्शन एंड पावर। अब इसके बाद एडवांस कोडिंग के अंदर सेलेक्टिव कोडिंग, जब हम लोग ओपन कोडिंग से एक्सियल कोडिंग, एक्सियल कोडिंग से सेलेक्टिव कोडिंग, इंटीग्रेटिंग कैटेगरीज टू फॉर्म अ थ्योरी, ठीक है। अब इसके बाद फिर इनिशियल कोडिंग, फोकस कोडिंग एंड थ्योरेटिकल कोडिंग, रिफाइनिंग एंड इंटीग्रेटिंग कैटेगरीज। इसके बाद फिर पोजिशनल मैप्स, विजुलाइजिंग पोजिशंस एंड पर्सपेक्टिव्स, इसके अंदर हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसी तरह से कॉन्स्टेंट कंपेरिजन में जो स्ट्रॉस एंड कॉबिंग की अप्रोच है, कंपेयरिंग इंसिडेंट्स विद इन एंड अक्रॉस कैटेगरीज। और इसके बाद कंपेयरिंग डाटा टू कोड्स, कोड्स टू कैटेगरीज, ठीक है। कंपेयरिंग, अब यहाँ पर क्लार्क की जो है कंपेयरिंग मैप्स, एनालाइजिंग वेरिएशंस एंड रिलेशनशिप्स। अब मेमो राइटिंग के लिए डिटेल मेमोज टू ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ कैटेगरीज, मेमो राइटिंग। और इसी तरह से रिफ्लेक्सिव मेमोज यहाँ पर यूज़ होते हैं, डिटेल मेमोज यहाँ पर यूज़ होंगे डेवलपमेंट ऑफ कैटेगरीज के लिए। जो हमने कैटेगरीज डेवलप की हैं तो हमने इसीलिए ये मेमोज की डिटेल भी हमने क्या अपना हम जो मेमोज उससे या मेमोरी जो रिसर्चर ने क्या लिखी है उससे रेलिवेंट। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव मेमोज जो हैं इसके अंदर भी रिसर्चर की पार्टिसिपेंट उसने जो मेमोज लिखे हैं, तो रिफ्लेक्सिव मेमोज टू एक्सप्लोर रिसर्चर्स थॉट्स एंड प्रोसेसेस, एंड एनालिटिकल मेमोज टू डॉक्यूमेंट इनसाइट्स एंड मैप डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह से जो थ्योरी डेवलप होगी सब्सटेंटिव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिंग ए थ्योरी को क्रिएटेड विद पार्टिसिपेंट्स एंड मैपिंग सोशल प्रोसेसेस, पावर डायनामिक्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। इसी तरह से यूज ऑफ डायग्राम्स, पैराडाइम मॉडल, कंडीशनल मैट्रिक्स, इसी तरह से डायग्राम्स टू विजुअलाइज। अब यहाँ पर जो चार्म्स की अप्रोच है ये भी रिलेशनशिप्स को या चीज़ को करने के लिए विजुअलाइज डायग्राम्स की हेल्प लेती है। इसी तरह सिचुएशन मैप्स को डिफाइन करने के लिए हम डायग्राम्स बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं, और ताकि हम लोगों को एक क्लैरिटी आ सके कि हम जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो अच्छे से प्रेजेंट हो जाए। इसी तरह से वैलिडेशन, ट्रायंगुलेशन, मेंबर चेकिंग, इसके बाद रिफ्लेक्सिविटी थ्रू मेंबर चेकिंग, इसके बाद रिफ्लेक्सिविटी वैलिडेशन थ्रू सिचुएशनल कोहेरेंस, और इसके बाद फिर फ्लेक्सिबिलिटी मोर रिजिड एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो स्ट्रॉस एंड कॉबिन की है। इसी तरह से चार्म्स की जो है फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टिव अप्रोच है, एंड हाईली फ्लेक्सिबल एंड एम्ब्रेसिस कॉम्प्लेक्सिटी जो है क्लार्क की अप्रोच है। तो जो ग्राउंडेड थ्योरी का आप आर्टिकल्स देखेंगे उसके अंदर आपको मुख्य तरह से नज़र आएगा। हो सकता है कि उन्होंने तीनों अप्रोचेस को यूज़ करते हुए, तीनों ऑथर्स की अप्रोचेस को यूज़ करते हुए एक डिज़ाइन, नया डिज़ाइन प्रोड्यूस किया हो। इसी तरह से जो ग्राउंडेड थ्योरी के आर्टिकल्स हैं उसके अंदर आपको मुख्तलिफ तरह के उसकी प्रेजेंटेशन नज़र आएगी। अब हो सकता है कि उन्होंने, क्योंकि बहुत वास्ट होते हैं जो ग्राउंडेड थ्योरी मेथड के थ्रू थ्योरी डेवलप की जाती है, उसके आर्टिकल्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा लेंथी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हो सकता है कि एक उसका जो मेथड जिस भी ग्राउंड थ्योरी आर्टिकल को पढ़े उसका मेथड के ऊपर कम ध्यान हो, और अपने जो थ्योरी को डिवेलप करने की स्टेज है उसको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान हो, या एक मेथड के थ्रू उन्होंने जब समझाया हुआ है कि मेथड ये वाला यूज़ किया है उसके अंदर जब ये तीनों चीज़ें यूज़ की हैं तो किस तरह से उन्होंने यूज़ किया। तो आर्टिकल एक आपने पढ़ने और उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगी कि उस तरह से उन्होंने किस किस्म के वर्डिंग यूज़ की है और वो वर्डिंग कहाँ से आ रही है। तो हम यहाँ से उनकी इन अप्रोचेस का रेफरेंस दे सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। ग्राउंड थ्योरी को मेरे ख्याल में आप अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत मतलब पीएचडी रिसर्च के दौरान इसको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा आपको अप्रोच समझ आ जाती है, दूसरा इसकी नई अप्रोच है, नया मेथड है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर तो यूज़ करना, क्योंकि ये कम यूज़ होता है थ्योरी को डेवलप करना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी थ्योरीज़ हैं कि कहीं से भी आप कोई भी करो तो वो मुश्किल होता है कि आपको ऐसी बात करने जाओ कि ये मैं इससे रेलिवेंट कोई थ्योरी डेवलप कर रहा हूँ। लेकिन ग्राउंड थ्योरी मेथड बिजनेस रिसर्च के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं और मुख्तलिफ सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राउंड थ्योरी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो उसकी हम जैसे ना अगर हम एग्जांपल्स देखें
थ्योरी जैसे थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट के एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज़ को किस तरह से इंगेज करने के लिए इंगेज करती है, तो उससे रेलिवेंट हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी मेथड यूज़ करें। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने रख दी हुई हैं। थ्योरी ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट के क्या लीडरशिप की कैसे हम लोगों के अंदर या एम्प्लॉयज़ के अंदर लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं, तो इस तरह की जो ये एग्जाम्पल्स हैं इनको इनको हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियोस में अब आपके साथ डिस्कस करूँगी फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करते हैं अपने अपने क्लास फेलोज़ के साथ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।